अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टडी कर रहे हैं न्यूटन्स रिंग्स। तो दोस्तों, हम जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस के बारे में हमें पता है कि व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो इंटरफेरेंस इज प्रोड्यूस्ड। तो इंटरफेरेंस को हमने पिछले लेक्चर में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने उसको स्टडी किया है। उसमें क्या होता है कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होता है और उसको जो हम पास करते हैं किसी दो स्लिट्स पे, तो उस एक स्क्रीन पे जो है वो लाइट्स, दोनों लाइट्स जो है वो मिलते हैं, वहाँ पे इंटरफेरेंस मिना जो है प्रोड्यूस होता है। तो एज ए रिजल्टेंट जो है हमें डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं। और उसमें जो है सेंट्रल पॉइंट जो होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक दो स्लिट्स है, एस वन है और एस टू है, ये स्क्रीन है, यहाँ से लाइट जो है इस पे पास होती है और ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से भी लाइट आती है और यहाँ पे इंटरफेरेंस मिना जो है प्रोड्यूस होती है। तो फिर यहाँ पे जो है जब लाइट इंटरफेयर करती है तो हमें ब्राइट फ्रिंज जो है वो ब्राइट फ्रिंज मिलता है, यानी सेंट्रल पॉइंट पे वी गेट ए ब्राइट फ्रिंज। कहाँ पे? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब हम पढ़ रहे थे, तो लाइट में इंटरफेरेंस फिनोमेना प्रोड्यूस होता है और हमें डार्क स्क्रीन पे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो मिलते हैं, लेकिन फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो है वो जो है सेंटर पे हमें मिलता है। यहाँ पे जो है न्यूटन ने जो इंटरफेरेंस को स्टडी किया है, इंटरफेरेंस फिनोमेना को, तो उस यहाँ पे हमें जब सेंट्रल पॉइंट है वहाँ पे हमें डार्क फ्रिंज जो है वो मिलेगा। तो उसका न्यूटन्स रिंग्स का जो सेटअप है, जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इट कंसिस्ट ऑफ ए सोर्स ऑफ लाइट, एक कन्वेक्स लेंस है और एक ग्लास प्लेट है विच इज़ फिक्स्ड एट 45 degrees, और एक जो है प्लेनो कन्वेक्स लेंस है और ये एक ग्लास प्लेट है। ये जो है इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। और इसका जो है वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो ये यहाँ जो मैंने क्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से जब लाइट निकलती है तो इट यहाँ पे स्ट्राइक होती है, तो यहाँ पे एक ग्लास प्लेट है, यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद जो है इट विल बी रिफ्लेक्टेड टुवर्ड दिस प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो सिमिलरली ये लाइट है ये यहाँ पे जो है साइड पे पड़ती है। तो यहाँ से जो है जब ये लाइट यहाँ से जो है इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस में पास होती है, रिफ्रैक्ट होती है, तो इसका देखो ये लोअर सरफेस है इस प्लेनो कन्वेक्स का और ये ग्लास प्लेट है और ये इसका अपर सरफेस है। तो यहाँ से जो है जब लाइट यहाँ पे पहुँचती है तो सम पार्ट ऑफ द लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है यहाँ प्लेनो कन्वेक्स लेंस के लोअर सरफेस से, यहाँ से जो है सम पार्ट ऑफ द लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है इन दिस, और सम पार्ट ऑफ लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होता है और यहाँ से पास होने के बाद ये ग्लास प्लेट जो है यहाँ से जो है लाइट रिफ्लेक्ट होती है, यानी वन पार्ट जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है ऑफ द लाइट एंड वन पार्ट जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। तो वापस जाने के बाद जो है जब यहाँ से वापस जाते हैं तो मिलते हैं तो इंटरफेरेंस बिना प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पर माइक्रोस्कोप है तो माइक्रोस्कोप में हमें फ्रिंजेस नज़र आते हैं, डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस, क्योंकि जब एक लाइट यहाँ से जो है वो वापस होती है, रिफ्लेक्ट होती है, और एक लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, तो पार्ट डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है इंटरफेरेंस बिना जब जो वहाँ वापस जाते हैं तो इंटरफेरेंस बिना जो है वो प्रोड्यूस होता है और हमें डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस जो है नज़र आते हैं। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है देन वी विल गेट डार्क फ्रिंज, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है देन वी विल गेट ब्राइट फ्रिंज। तो जैसे दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि यंग्स डबल स्लिट में जो सेंटर पे फ्रिंज है इट इज़ अ ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पे न्यूटन रिंग्स में जो सेंट्रल फ्रिंज है इट इज़ अ डार्क। तो हमें जो फ्रिंजेस नज़र आते हैं इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, इस पैटर्न में हमें जो है जब हम माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो हमें सर्कुलर फ्रिंजेस जो है नज़र आएंगे। इसमें जो है जो सेंट्रल है वो डार्क फ्रिंज है, उसके बाद ब्राइट पर
डार्क जो है इस तरह के फ्रिंजेस जो है हमें नजर आए। चूंकि ये सर्कल में है इसलिए हम इसको रिंग्स कहते हैं, और न्यूटन ने जो है इसको स्टडी किया है इसलिए पूरे जो है इसको हम न्यूटन्स रिंग्स कहते हैं। तो इसमें मेन क्या है, इसमें दूसरी बात ये कि यहाँ पे पिछले लेक्चर में हमने तीन फिल्म इंटरफेरेंस, इन तीन फिल्म को हमने स्टडी किया था, और उसमें जो है हमने कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वही तीन फिल्म के फिनोमेना जो है यूज़ होता है। यहाँ पे अगर हम देख लें, ये अपर लोअर सरफेस ऑफ दी कन्वेक्स लेंस है और ये अपर सरफेस ऑफ दिस प्लेट है, इसके बीच में जो है ये एक तीन फिल्म है एयर के, तो जिसकी वेट जो है मैंने यहाँ से यहाँ तक जो है रिप्रेजेंट किया है बाई डी। तो यहाँ पे तीन फिल्म के फिनोमेना यूज होते हैं। तो वहाँ पे जो है हमने कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हमने कहा था कि कंडीशन फॉर मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज इक्वल टू टू डी एन इज इक्वल टू टू एम प्लस वन लेमडा बाई टू। यहाँ पे ये एन जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको अगर हम वन ले लें इन एयर के लिए तो दिस इज इक्वल टू टू डी टू एम प्लस वन लेमडा बाई टू। और ये जो है कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमा के लिए है, टू डी एन एम लेमडा, या इसको हम यू भी लिखते हैं टू डी इज इक्वल टू एम ओ लेमडा। तो दिस आर दी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम क्या करते हैं, हम जो ये फ्रिंजेस बनते हैं सर्कुलर फ्रिंजेस, वी नीड टू फाइंड आउट दी रेडियाई रेडियस ऑफ दिस फ्रिंजेस, और वी कैन फाइंड आउट दी पोजिशन ऑफ दीज फ्रिंजेस। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले वी नीड टू फाइंड आउट दिस पार्ट डिफरेंस, एस डी को हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो है यही प्लेनो कन्वेक्स लेंस जो है मैंने यहाँ पे बनाया है यहाँ पे, और ये जो है वही ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट है, और ये जो है प्लेनो कन्वेक्स लेंस के लोअर सरफेस और ग्लास प्लेट के अपर सरफेस के दरमियान डिस्टेंस है, जो ये है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो ये डी है। दूसरी बात ये आर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आर जो है दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस प्लेनो कन्वेक्स लेंस। और दूसरी बात ये कि ये जो है ये रेडियस है ऑफ द फ्रिंजेस, और यहाँ से ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस जो है वो एस डी के बराबर है, एस डी के बराबर है। अब मैंने क्या करना है, एस डी को मैंने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो है चूंकि ये इक्वल है किस चीज़ के, ए बी के, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये एस के बराबर है। तो एस डी को मैंने कैसे फाइंड आउट करना है, दिस डी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ ए को मैंने, दिस इज इक्वल टू ऑफ, इसमें मैंने ओ ए को फाइंड आउट करना है। तो ओ ए के लिए जो है अगर मैं ये ले लो, ये ट्राइंगल ले लो, दिस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस आर प्लस ओ ए, दिस। अब मैंने क्या करना है, मैंने ओ ए को फाइंड आउट करना है, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ओ ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट। अब मैंने इसको मिटाना है, अब मैं इसको ओ ए को यहां पे पुट करता हूं, तो d इज इक्वल टू ओ ए ओ बी, दिस ओ बी इज इक्वल टू इस r के बराबर है, तो इसको मैं r लिख लेता हूँ, माइनस ओ ए की जगह मैं ये लिख लेता हूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अंडर रूट की जगह मैं हाफ यहाँ पे लिख लेता हूँ।
तो दिस विल बी लाइक दिस। अब यहां से मैंने इस आर को कॉमन करना है, तो आर माइनस आर वन माइनस आर स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई आर स्क्वायर हाफ। इसके बाद जो है इस पे मैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन अप्लाई करता हूं और हायर टर्म्स को निग्लेक्ट करता हूं, देन आई विल गेट वन माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू आर स्क्वायर। तो डी इज इक्वल टू आर माइनस इस आर को दोबारा मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो दिस विल बी इक्वल टू आर प्लस आर आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू आर स्क्वायर। तो ये आर और ये कैंसल, तो डी इज इक्वल टू ये आर और ये आर, तो वी विल गेट आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू आर। तो ये है डी। अब मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये कंडीशन है, यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने डी की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से फिर हम मैं आर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो टू डी की वैल्यू मैं ये पुट करता हूँ, आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू आर इज इक्वल टू टू एम प्लस वन लेमडा बाई टू। ये टू और ये टू कैंसल, ये आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू टू एम प्लस वन लेमडा आर बाई टू। तो इसको मैं यू भी लिख सकता हूँ कि एम प्लस हाफ इंटू लेमडा आर, आर इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लेमडा आर अंडर द रूट। दिस इज द रिटाई फॉर अ ब्राइट फ्रिंज। यहाँ पे एम जो है वन टू थ्री, अगर फर्स्ट फ्राइड फ्रिंज की हमने रेडियस फाइंड आउट करने हैं तो वी जस्ट नीड टू पुट हेयर ज़ीरो, तो आई विल गेट लेमडा आर बाई टू। अगर सेकेंड है तो यहाँ पे वन पुट करना है। तो इस तरह जो है हम वी कैन फाइंड आउट दी रेडियाई ऑफ द फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। इसके बाद जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आर डार्क फ्रिंजेस, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डार्क फ्रिंज या मिनिमा के लिए, तो वो हमने हमें पता है कि टू डी इज इक्वल टू एम लेमडा। इसमें जो है आर डी की वैल्यू हम पुट करते हैं, विच इज अ टू टू डी की वैल्यू जो है वो आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू आर है, दिस इज इक्वल टू एम लेमडा। तो ये टू और ये टू कैंसल, तो वी विल गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम लेमडा इंटू आर। सो आर इज इक्वल टू एम लेमडा। यहाँ पे अगर एम ज़ीरो है तो आर विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो दोस्तों मैंने कहा था कि न्यूटन रिंग्स में जो सेंट्रल फ्रिंज है इट इज़ अ डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज है। और यहाँ से भी हमें पता चलता है कि अगर एम वन है एम ज़ीरो है तो आई विल गेट द डार्क फ्रिंज। एक तो यहाँ से है, दूसरी बात ये कि इस न्यूटन रिंग में डार्क फ्रिंज जो है वो सेंटर पे क्यों है। तो इसकी जो है एक रीज़न यह है कि हमें पाथ डिफरेंस का हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू टू डी माइनस लेमडा बाई टू। दिस ये जो है हमने शो की है ये इक्वेशन इंटरफेरेंस इन तीन फिल्म में, क्योंकि जब यहाँ पे न्यूटन रिंग्स में अगर ये कन्वेक्स लेंस है यहाँ पे जो है डार्क फ्रिंज जो है बनता है।
और यहाँ पे अगर हम देख लें पार्ट डिफरेंस यहाँ पे जीरो है, जब पार्ट डिफरेंस यहाँ पे मैं डी जीरो तो माइनस लेमडा बाई टू, तो माइनस लेमडा देखो अगर ये एक जो है वेव है और ये जो है कोई डेंसर मीडियम है और वेव जो है फॉर एग्जांपल लाइट वेव है वो यहाँ पे यू आ रही है और इस डेंसर मीडियम के साथ ट्रफ जो है वो टकरा रहा है, तो ये चूंकि डेंसर मीडियम है और हमें पता है कि अगर कोई वेव डेंसर मीडियम से टकराती है तो अगर उसका ट्रफ टकरा रहा है तो इट विल बी रिफ्लेक्ट एज ए क्रस्ट, तो यहाँ पे चूंकि डेंसर मीडियम है तो इट विल बी रिफ्लेक्ट एज ए क्रस्ट, तो यहाँ पे फिर हम लिखते हैं कि ये जो वेवलेंथ है दिस इज माइनस लेमडा बाई टू, जो कि यहाँ पे फेज शिफ्ट है 180 डिग्री का। तो यहाँ पे तीन फिल्म में अगर मैं कहूँ ये जो है ग्लास स्लैब है और इसको मैं थोड़ा सा जो है इसकी थिकनेस मैं यू कर देता हूँ, एक लाइट है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है यहाँ से लोअर सरफेस ऑफ द प्लेनो कन्वेक्स लेंस, तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो है थिकनेस बहुत ज़्यादा है, इट मींस के मीडियम जो है डेंसर है, तो 180 डिग्री का शिफ्ट विल बी प्रोड्यूस्ड जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, और जो लाइट जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है तो इसके लिए जो है थिकनेस जो है वो कम हो जाती है, यानी मीडियम जो है वो कंपेरेटिवली जो है वो मीडियम के डेंसिटी कम हो जाती है, रेयर मीडियम जो है बन जाता है। तो यहाँ पे जो है इस वाले लाइट में और यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और यहाँ से इसके दरमियान 180 डिग्री का शिफ्ट आ जाता है, तो इसी वजह से जो है माइनस लेमडा बाई टू जो है इंटरफेरेंस के लिए क्या है, ये फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, अगर जो है पार्ट डिफरेंस माइनस लेमडा बाई टू है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल बी प्रोड्यूस्ड, तो दैट्स वाई यहाँ पे डार्क फ्रिंज जो है वो बन रहा है। तो दीज आर दी कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। थैंक यू।